दोस्तों, बहुत लोगों का एक प्रॉब्लम आ रहा है MIUI के गैलरी में। उनके डिवाइस में प्राइवेट एल्बम का ये जो फीचर है ना, वो हट गया है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, किसी भी एल्बम को अगर आप यहाँ पर लेके जाते हैं, उसको टिक करते हैं और उसके बाद ऐड टू एल्बम करते हैं, तो हमें यहाँ पर प्राइवेट एल्बम का एक फीचर मिलता है जिसमें हम अपने फोटोज़ को वीडियोज़ को प्राइवेट कर सकते हैं, यानी कि हाइड कर सकते हैं यहाँ से। तो बहुत लोगों को ये फीचर जो है वो हट गया है, नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए और कैसे ये आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में जो है वो एक नया अपडेट आया है MIUI के गैलरी का, और उसको मैं अपडेट करके भी दिखाऊंगा कि अपडेट करने के बाद ये जो फीचर है किस तरीके का हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो वर्जन है, एक नया अपडेट आया है इसका, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर ये फटाफट अपडेट भी हो जाएगा, देख सकते हैं। और अपडेट होने के बाद भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो फीचर है ना, वो हमारे फ़ोन में आता है या नहीं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो नया वाला अपडेट आया है ना, इसके वजह से ये जो ऐड टू एल्बम वाला प्राइवेट एल्बम वाला जो फीचर है वो हट गया है। तो देख सकते हैं ये अपडेट हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपने गैलरी को। तो यहाँ पर जैसे ही ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर किसी भी फोटो को सिलेक्ट करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले यहाँ पर ऐड टू एल्बम था वो अब यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट एन एल्बम और प्राइवेट एल्बम का फीचर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले गैलरी एप्लीकेशन के ऊपर में प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, ऐप इन्फो में जाना है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अन इंस्टॉल अपडेट का आपको एक फीचर मिलेगा, इसको आप जाकर सिंपली अन इंस्टॉल कर दीजिए और उसके बाद ये वाला जो फीचर है आपके फोन में आ जाएगा। क्योंकि ये जो नया वाला अपडेट आया है ना 3.4.1.1.3 का, ये जो ग्लोबल अपडेट है, इसमें बहुत सारे डिवाइस में ये वाला जो फीचर है वो ना सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप अपने सिंपली यहाँ पर अन इंस्टॉल अपडेट कर लीजिए, ये फीचर वापस आ जाएगा और आप इसे यूज़ कीजिए, तब तक यूज़ कीजिए जब तक अगला अपडेट इसका नहीं आ जाता। तो बस आज की इस वीडियो में यही आपको बताने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।